दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट टीम हमेशा से ही अपने चैंपियन क्रिकेटरों की बदौलत विश्व की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती रही है। चाहे वो बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, श्रीलंकन शेरों का इन दोनों ही फील्ड में एक अलग ही दबदबा रहा है। अर्जुना राणातुंगा, अरविंदर डिसिल्वा, सनत जयसूर्या और चामिंडा वास जैसे महान खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद एक वक्त सभी को लगा था कि शायद श्रीलंका की टीम इनकी कमी को कभी पूरा नहीं कर पाएंगी। लेकिन कुमार संगकारा, माहेला जयवर्धने, तिलक रत्ने दिलसान और लसित मलिंगा जैसे चैंपियन खिलाड़ियों ने आकर इन दिग्गजों की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। इन खिलाड़ियों की बदौलत ही आगे चलकर श्रीलंका की टीम ने विश्व क्रिकेट के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को भी कई शानदार यादें दी। आज की वीडियो में भी हम इन्हीं चैंपियंस में से एक की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया माहेला जयवर्धने के नाम से जानती है। तो चलिए आज बात करते हैं इस क्रिकेटर की जिंदगी और करियर के बारे में। माहेला जयवर्धने का जन्म 27 मई 1977 को कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। उनका पूरा नाम देनागमागे प्रोबोथ माहेला डिसिल्वा जयवर्धने है। उन्होंने अपनी पढ़ाई नालंदा कॉलेज कोलंबो से पूरी की। स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान ही उनके पिता सेनेरथ जयवर्धने ने माहेला को लियोनेल क्रिकेट कोचिंग क्लिनिक में दाखिला भी दिला दिया था, जहां से जयवर्धने ने अपनी क्रिकेट की शुरुआती तालीम ली। हाई स्कूल तक आते आते तो जयवर्धने एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में डेवलप हो चुके थे। स्कूलिंग क्रिकेट खेलने के दौरान ही उन्होंने अपनी प्रतिभा को और भी निखारा और साल 1994 में वो अपनी स्कूल टीम के कैप्टन भी बने। साल 1995 में उन्होंने सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के दौरान भी वो लगातार अपने गेम में इंप्रूवमेंट करते रहे और साथ ही बल्ले से उम्दा प्रदर्शन भी जारी रखा। डोमेस्टिक क्रिकेट में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन पर आखिरकार श्रीलंकन क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स की नजर पड़ी और उन्हें अगस्त 1997 में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में अपना डेब्यू करने का मौका दिया गया। अपने डेब्यू इंटरनेशनल मैच में ही उन्होंने 66 रनों की उम्दा पारी खेलकर श्रीलंका को पहली इनिंग में 952 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की, जो कि टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया अभी तक का हाईएस्ट टोटल भी है। साल 1998 की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में भी अपना कदम रखा और अपने दूसरे ओडीआई मैच में ही 74 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर अपनी उपयोगिता भी साबित की। इसी साल जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलते हुए उन्होंने 167 रनों की कमाल की मैच विनिंग पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना डाला। जनवरी 1999 में खेली गई कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज के 8वें मैच में उन्होंने इंग्लैंड द्वारा दिए गए 303 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 120 रनों की शानदार मैच विनिंग शतकीय पारी खेलकर श्रीलंका को इस टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण 2 पॉइंट्स दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये उनका ओडीआई क्रिकेट में पहला शतक भी था। इसी साल फरवरी में भारत के खिलाफ खेले गए एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए 242 रनों की एक और शानदार पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाने का गौरव भी हासिल किया। इसी साल इंग्लैंड में आयोजित क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी वो श्रीलंकन टीम का हिस्सा थे, जहां उनका परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। साल 2000 तक आते आते वो टीम में अपनी एक पुख्ता जगह बना चुके थे। समय के साथ साथ जयवर्धने के खेल में भी काफी बदलाव आ गया था। वो अब पहले से ज्यादा कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे और साथ ही बड़ी बड़ी पारियां भी खेल रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने अगस्त 2001 में भारत के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज के दौरान लगातार 2 शतक लगाकर श्रीलंका को 2-1 से सीरीज जिताने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। साल 2006 में रेगुलर कप्तान मरवन अट्टापट्टू के एब्सेंस में उन्हें इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली श्रीलंकन टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। इस दौरे में उन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी कप्तानी से भी सभी को काफी प्रभावित किया। अपनी कप्तानी में खेले गए पहले ही टेस्ट में उन्होंने 61 और 119 रनों की मैच सेविंग पारी खेलकर सीरीज में अच्छी शुरुआत की और अंत में सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म किया। इसके बाद ओडीआई सीरीज में भी उन्होंने एक बार फिर बल्लेबाजी में कमाल दिखाते हुए 100 से भी ज्यादा की एवरेज से 328 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे, जिसकी मदद से श्रीलंका ने इस ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड को 5-0 से व्हाइट वॉश कर दिया था। इसी दौरे में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलते हुए
T20 क्रिकेट में भी अपना कदम रखा। इसी साल जुलाई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज के दौरान भी जयवर्धने पूरी तरह छाए रहे। सीरीज के पहले टेस्ट में खेलते हुए तो उन्होंने एक रिकॉर्ड ही सेट कर दिया था। उन्होंने इस टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 374 रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका की तरफ से हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इसी पारी के दौरान उन्होंने कुमार संगकारा के साथ 624 रनों की पार्टनरशिप करते हुए टेस्ट क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बना दिया। दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 123 रनों की एक और मैच विनिंग शतकीय पारी खेली और साउथ अफ्रीका को 2-0 से व्हाइट वॉश कर डाला। उनकी कप्तानी में किए गए टीम के शानदार प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए उन्हें टेस्ट और ओडीआई दोनों ही फॉर्मेट का रेगुलर कप्तान बना दिया गया। इसी साल वो आईसीसी द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर भी चुने गए। अब बारी थी साल 2007 के वर्ल्ड कप की। इस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने खुद आगे आकर अपनी टीम का नेतृत्व किया और अपनी कप्तानी में श्रीलंकन टीम को फाइनल तक लेकर गए। इतना ही नहीं, जब जब टीम मुसीबत में दिखी उन्होंने बल्लेबाजी से भी अपना अहम योगदान दिया और 548 रन बनाकर इस वर्ल्ड कप के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में खेली गई नाबाद 115 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी भी शामिल है। इसी साल उन्हें क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 240 रनों की शानदार पारी खेलकर वो सभी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देशों के खिलाफ शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। जुलाई 2009 में उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ दी, जिसके बाद कुमार संगकारा को श्रीलंकन टीम का नया कप्तान बनाया गया। साल 2010 के T20 वर्ल्ड कप में भी जयवर्धने ने अपने बल्ले की धाक दिखाई और 302 रन बनाकर टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बने, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 81, जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 और वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 98 रनों की खेली गई शानदार पारियां भी शामिल है, जिसकी मदद से श्रीलंकन टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। साल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के खिलाफ 103 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर वो वर्ल्ड कप इतिहास के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। इसी साल नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में और दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलते हुए उन्होंने ओडीआई और टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे करने का माइलस्टोन भी हासिल किया। साल 2012 में उन्होंने एक बार फिर श्रीलंकन टीम की बागडोर अपने हाथ में ली। इसी साल श्रीलंका की धरती पर खेली गई T20 वर्ल्ड कप में भी वो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए। इसके अलावा उनकी मौजूदगी में ही साल 2014 में श्रीलंका की टीम T20 वर्ल्ड चैंपियन भी बनी। माहेला जयवर्धन ने साल 2015 के वर्ल्ड कप खेलने वाली श्रीलंकन टीम का भी हिस्सा थे। इसी वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्राउंड में उतरते ही वो श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा ओडीआई मैच खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सनत जयसूर्या के नाम दर्ज था। हालांकि इस वर्ल्ड कप में श्रीलंकन टीम को क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था। अपने शानदार खेल और बेहतरीन कप्तानी से श्रीलंकन टीम को कई यादगार लम्हे देने वाले इस महान खिलाड़ी ने आखिरकार इस वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की भी घोषणा कर दी। इसी के साथ श्रीलंकन क्रिकेट के एक बेहतरीन दौर का भी अंत हो गया। वो आईपीएल में भी साल 2008 से साल 2010 तक किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेले, जहां उनकी उम्दा बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब की टीम कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करने में कामयाब रही। साल 2011 में वो बतौर कप्तान कोची टस्कर्स केरला की तरफ से खेले। साल 2012 में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपनी टीम में लिया, जहां उनके बेहतरीन खेल की बदौलत दिल्ली की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही। साल 2013 में तो वो दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के कप्तान भी थे। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद साल 2015 में उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बतौर बैटिंग कंसल्टेंट अपॉइंट किया। साल 2017 के आईपीएल सीजन में वो बतौर कोच मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़े। अपनी कोचिंग में ही उन्होंने मुंबई इंडियंस को साल 2017 का आईपीएल विनर भी बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2019 और साल 2020 में भी इस टीम को आईपीएल की ट्रॉफी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उनके स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 149 टेस्ट मैचों में 49.84 की एवरेज से
34 शतकों और 50 अर्धशतकों के साथ 11,814 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 374 रन है। वहीं 448 ओडीआई मैचों में 33.37 की एवरेज से 19 शतकों और 77 अर्धशतकों के साथ 12,650 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 144 रन है। इसके अलावा उनके नाम 55 टी20 मैचों में 31.76 की एवरेज से 1 शतक और 9 अर्धशतकों के साथ 1,493 रन भी दर्ज है, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 100 रन है। माहिला जयवर्धन ने शानदार बल्लेबाज होने के साथ साथ एक लाजवाब फील्डर भी थे। यही वजह है कि उनके नाम ओडीआई मैचों में अभी तक सबसे ज्यादा 218 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वो श्रीलंका की तरफ से क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी है। इसके अलावा उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे फिट खिलाड़ियों में से भी एक माना जाता रहा है। शायद यही वजह है कि वो 448 मैचों के साथ सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा ओडीआई मैच खेलने वाले अभी तक विश्व के केवल दूसरे क्रिकेटर है। उनके ये आंकड़े और रिकॉर्ड्स ये साबित करने के लिए काफी है कि वो कितने महान क्रिकेटर थे, जिनकी कमी को आज तक श्रीलंकन टीम पूरी नहीं कर पाई है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2005 में अपनी गर्लफ्रेंड और ट्रेवल कंसल्टेंट रही क्रिस्टीना मल्लिका सिरिसेना से शादी की है, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है। महिला जयवर्धने के एक छोटे भाई भी थे, जिनकी मृत्यु महज 16 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गई थी, जिसके बाद महिला जयवर्धने एक वक्त के लिए बुरी तरह से टूट गए थे और उन्होंने कुछ समय के लिए तो क्रिकेट खेलना तक छोड़ दिया था। लेकिन बाद में वो अपने पेरेंट्स और टीममेट्स की मदद से इस दुख की घड़ी से उबरने में कामयाब रहे और फील्ड में वापसी की। वो अपनी निजी जिंदगी में एक अच्छे क्रिकेटर के अलावा एक जिंदादिल इंसान भी है। उन्होंने अपने दिवंगत भाई की याद में होप नाम से चल रही एक कैंसर प्रोजेक्ट के लिए काफी कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया है। उनका सपना है कि वो जल्द से जल्द कैंसर मरीजों के लिए एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएं, जहां मरीजों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो। फिलहाल वो कोचिंग के साथ साथ चैरिटी कार्यों में भी इन्वॉल्व है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम उन्हें और भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में देख सकेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक महान क्रिकेटर थे। उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट के लिए जो योगदान दिया है, उसके लिए श्रीलंकन क्रिकेट हमेशा उनका आभारी रहेगा। और जब भी क्रिकेट में एक सफल बल्लेबाज और मैच विनिंग क्रिकेटर की बात की जाएगी, तो महिला जयवर्धने का नाम उसमें जरूर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी श्रीलंका के महान बल्लेबाज महिला जयवर्धने की शानदार क्रिकेटिंग सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।